नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूर्वी विनोद नगर स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय में नए भवन ब्लॉक का शिलान्यास किया है और उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, आप उठा के देख लो, ये चारों लैंग्वेज अगर किसी और स्कूल में पढ़ाई जाती हो तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, आपके बच्चे के स्कूल में अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती है। कितना बड़ा बदलाव आ गया और अब इसकी बिल्डिंग भी सुधर जाएगी। अभी तक तो थोड़ी बिल्डिंग मैं देख रहा था जैसे वो टिपिकल सरकारी स्कूल होते हैं, वैसे सरकारी स्कूल टाइप बिल्डिंग है, लेकिन अभी तक विदेशी भाषाएं पढ़ा रहे थे, अब विदेशी बिल्डिंग भी बनाएंगे। जैसे अभी आतिशी जी ने कहा कि जो आपने देखी यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है बिल्डिंग की फोटो, बनने के बाद ये स्कूल कैसा दिखाई देगा, जाने से पहले सारे जने देख के जाना। जैसा आतिशी जी बता रहे थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसा स्कूल दिखाई देगा आपके बच्चों का, ऐसे लगेगा जैसे आपका बच्चा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। सोचो कितना बदलाव आ गया 7-8 साल में। 8-9 साल पहले तक दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कितना बुरा हाल था, कितना बुरा हाल था, और आज दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूल एक के बाद एक इतने शानदार होते जा रहे हैं। बच्चों के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है। पहले मजबूरी में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल से भी लोग अपने बच्चों का नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़ी क्रांति आई है। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब ज्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, सरकारी स्कूल होते थे। तो जितने आईएएस आईपीएस अफसर भी बनते थे वो भी सरकारी स्कूलों के ही पढ़े होते थे, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते थे वो भी सरकारी स्कूलों के ही पढ़े होते थे, जितने बड़े बड़े अरबपति वगैरह बनते थे वो भी उनमें से भी कई सरकारी स्कूलों के पढ़े होते थे। लेकिन आजादी के बाद से बड़ी तेजी के साथ, मैं तो समझता हूं षड्यंत्र के तहत, बड़ी तेजी के साथ सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया गया और बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्राइवेट स्कूल बनते गए, प्राइवेट स्कूल बनते गए पूरे देश भर में। और ये हालत ये हो गई 90 के दशक में और 2000 में, देश भर में सरकारी स्कूलों का तो बेड़ा गर्क कर दिया और प्राइवेट स्कूल इतने सारे हो गए, प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा दी, जब मर्जी फीस बढ़ा देते थे, जब मर्जी कुछ भी पैसे लूट, सारे प्राइवेट स्कूल खराब नहीं है पर कई स्कूल जो है उन्होंने लूट मचा रखी थी। तो माहौल ये होगा कि गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई बहुत खराब होती थी, जिसके पास भी पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, जो गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है तो बड़ा होके उसका कोई कैरियर नहीं है, वो भी अपने माँ बाप की तरह कुछ छोटा मोटा काम करके वो भी गरीब रह जाएगा। तो ऐसा एक वो बन गया कि गरीब का बच्चा गरीब रहेगा, अमीर का बच्चा अमीर बनेगा, पैसे वाले का बच्चा पैसे वाले, बड़ा होके कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, गरीब का बच्चा जो है वो गरीबी में जिएगा। इस माहौल को बदला है पिछले 8 साल के अंदर। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे वो भी बड़े बड़े सपने देखने लगे हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर वकील आईएएस आईपीएस बनने लगे हैं। मैं आईआईटी से पढ़ा हूं, आईआईटी देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, मैं आईआईटी से पढ़ा था, मेरे को पता है कितना मुश्किल होता है। अब हमारे सरकारी स्कूलों के, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जिस कॉलेज से मैं पढ़ा उस कॉलेज में अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जा रहे हैं। अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे ऑल इंडिया मेडिकल में एडमिशन, ऑल इंडिया मेडिकल, मेडिकल का सबसे बड़ा कॉलेज है, वहां पे एडमिशन ले रहे हैं। तो बहुत बड़ा बड़ी क्रांति आई है ये, और पिछले 8 साल के अंदर दिल्ली में ये जो क्रांति आई है, इस क्रांति के पीछे एक ही शख्स है, मनीष सिसोदिया।
75 साल में जो धीरे 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 करके सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क किया गया, गरीबों ने तो सपना देखना ही बंद कर दिया था, गरीबों के बच्चों ने तो सपने देखने ही बंद कर दिए थे, उनको तो लगता ही नहीं था कि हम भी कुछ बन सकते हैं। जिस शख्स ने, पता नहीं, कुदरत कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है, तो अपने देश का भी समय बदल रहा था। देश की किस्मत थी कि मनीष सिसोदिया जैसा शख्स आया और उसने दिल्ली के अंदर ये शिक्षा क्रांति करके दिखाई। और आज दिल्ली की देखा देखी पूरे देश में गरीबों के बच्चे सपने देखने लगे हैं, उनको लग रहा है एक दिन हमारे राज्य के अंदर भी ठीक होगा सब कुछ। उस राज्य के लोग सोचते हैं एक दिन हमारे यहां भी अब स्कूल ठीक होंगे, हमारे यहां भी स्कूल ठीक होंगे, जैसे दिल्ली में हुए हमारे भी स्कूल ठीक होंगे। पूरे देश के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई है। तो दिल्ली के अंदर जो काम हुआ वो मनीष सिसोदिया जी ने किया, लेकिन स्कूलों को ठीक करने वाले को भी इन्होंने जेल में डाल दिया। बताओ, स्कूलों को ठीक करने वालों को, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने वालों को कौन जेल में डालता है? कहते हैं मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार करा। मैंने कहा जी, भ्रष्टाचार करने वाला तो रात को बैठ के जो भी पैसे कमाएगा, करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, वो रात को बैठ के दारू पिएगा, गलत काम करेगा। मनीष सिसोदिया रोज सवेरे 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, स्कूलों में ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। बताओ ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी आदमी है जो सवेरे 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों के दौरे करने जाता है? हो सकता है कोई भ्रष्टाचारी आदमी बच्चों के स्कूलों के लिए काम नहीं करता? कोई भ्रष्टाचारी आदमी दौरे करने नहीं जाता सरकारी स्कूलों के? पर यह भी है कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत कांटे हैं। हम भी, अगर आम आदमी पार्टी वाले भी पैसे खाने शुरू कर देते, गलत काम करने शुरू कर देते, थोड़े बहुत इनको पहुंचा देते, ये भी खुश रहते। कहां मनीष सिसोदिया को जेल में डालते, इनका भी पेट भरा रहता। लेकिन हमने ऐसा करना नहीं था, हमने तो सच्चाई के रास्ते पे चलना था। तो जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो बहुत कठिनाइयां आती हैं। सारी असुरी शक्तियां, भगवान राम को नहीं छोड़ा इन्होंने, 14 वर्ष वनवास भेज दिया। इतिहास उठा के देख लो, जितने महापुरुष हुए किसी को नहीं बख्शा। सारी असुरी शक्तियां, सारी भ्रष्टाचारी ताकतें सारी इकट्ठी हो जाती हैं और उस आदमी के पीछे पड़ जाती हैं कि इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको। ये बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है? बच्चे पढ़ लिख गए तो ये बच्चे बड़े होके बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जो जो लोग इस देश के अंदर तरक्की नहीं चाहते, जो जो लोग इस देश के अंदर गरीबों के बच्चों को पढ़े और लिखे नहीं देखना चाहते, वो सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने पकड़ के मनीष को जेल में डाल दिया। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी आप लोगों ने? सुनिए, कितना बड़ा राजा था, कितना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते हैं हम लोग, कितना बड़ा राजा था। कहते हैं कभी झूठ नहीं बोला उन्होंने, इसीलिए कहते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, सत्य बोलेंगे चाहे जान चली जाए चाहे राजपाट चला जाए। उसकी वजह से उनका पूरा राजपाट चला गया, सत्य बोलने की वजह से। और हम सुनते हैं कि कैसे उनके बेटे की मौत हो गई, और जब उनकी पत्नी जो है शमशान घाट पे अपने बेटे को जलाने के लिए गई, तो वहां पे राजा हरिश्चंद्र जो है उनका राजपाट चला गया था, शमशान घाट की जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से अपने बेटे का भी कर लेने से नहीं छोड़ा, ये हालत हो गई थी। तो प्रकृति जो है सत्य बोलने वालों की परीक्षा लेती है, भगवान जो है वो सत्य बोलने वालों का, सच्चाई के रास्ते पे चलने वालों की परीक्षा लेता है। हर एक की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब भगवान कड़ी परीक्षा लेता है। मनीष जी की भी परीक्षा ले रहे हैं भगवान, और मुझे पूरा यकीन है कि मनीष जी, जैसे अब आपके बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं, आपकी तरह बच्चों की तरह अच्छे नंबर लेके परीक्षा में पास होंगे और भगवान उनसे संतुष्ट होंगे। और आज यहां का
नई बिल्डिंग बनने का फाउंडेशन आधारशिला तो मैं और आतिशी जी रख रहे हैं। ये स्कूल एक साल बाद बनके तैयार हो जाएगा फरवरी में। इस स्कूल का उद्घाटन मैं और मनीष सिसोदिया करेंगे। आप सबके बच्चे खूब, मैं अभी आतिशी जी से बात कर रहा था, इस स्कूल में लिफ्ट भी लगेगी। स्विमिंग पूल भी है कि नहीं है? नहीं, अभी स्विमिंग पूल नहीं है, वो मनीष जी आके बनवाएंगे। फिर बगल वाले स्कूल में, इस स्कूल में लिफ्ट लगेगी। किसी स्कूल में प्राइवेट में जाके देख लो, किसी प्राइवेट स्कूल में लिफ्ट नहीं है जी, आपके बच्चों के स्कूल में लिफ्ट लगेगी। बड़ी बात है कि नहीं है? सारी माँ बहनें जरा हाथ खड़े करके बता दो, बड़ी बात है कि नहीं है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गर्व होगा अब हमें, हमारा बच्चा जो है इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। दो मेहमान आएंगे घर में, रिश्तेदार आएंगे, तो कॉलर चोरी करके कहना हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, दिखा के लाना उनको स्कूल, देखो जी हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है। ये मनीष सिसोदिया जी की देन है। तो हमारे देश के बच्चे ऐसे ही आगे पढ़ते रहें, फलें फूलें, खूब तरक्की करें, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, करता हूं। और सभी माँ बहनें जितनी आई हैं उन सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम।